नमस्ते। आज हम बनाएंगे बड़ा, मटर बड़ा बनाएंगे हम आज। तो मैंने उसके लिए 1.5 कटोरी चावल भिगो के रखा है। मैंने चावल मोटे वाले ही यूज़ किया है, जो इडली वगैरह में यूज़ करते हैं उसके बहुत अच्छे बनते हैं बड़े, तो मैंने इसीलिए वही यूज़ किया है। और थोड़े से मटर लिए हैं, मटर को मैं दरदरा पीस लूँगी और चावल को भी मैं पीसूँगी। आप चाहे तो चावल के आटे से भी बना सकते हैं इसको, पर मैं चावल से बनाऊँगी। तो चलिए पहले इसको दरदरा पीसते हैं। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, ज़्यादा पानी इसमें डाल के नहीं पीसना है, क्योंकि हमें बड़ा बनाना था। इतना बनाएंगे गाढ़ा जी जो हाथ में हमें फेंटते समय कढ़ाई में बड़ा हम बना सके। तो चलिए बनाते हैं। किस तरीके से इसको पीस लिया है देखिए, सूखा सूखा है और मैंने इसे 2 घंटे चावल को भिगो दिया था अच्छे से साफ करके पानी में। तो देखिए कुछ गाढ़ा ही करना है, क्योंकि हम गीला तो बाद में भी कर सकते हैं, बाद में हम इसमें अभी दही वगैरह डालेंगे तो ये ढीला हो जाएगा। साइड करते हैं। ये मैंने मटर भी दरदरा ही पीस लिया है और मैंने ये फली वाला ही मटर लिया है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। मैंने 4 चम्मच इस चम्मच से दही लिया है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अभी सारा मटर हम निकाल के इसमें डाल लेंगे। कटा हुआ गाजर बिल्कुल बारीक काटना है आपको उसको। शिमला मिर्च बारीक लिया है मैंने, एक हरी मिर्ची ली है बारीक कटी हुई, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं बिल्कुल बारीक कटा हुआ है, धनिया। आप चाहें तो बिना ये सब्जी के बिना भी आप बना सकते हैं सिर्फ मटर से। तो मैंने ये सारा सामान इसके अंदर डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा, हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा डालेंगे हम काली मिर्च पीसी हुई, डालेंगे चिली फ्लेक्स, आपके पास ना हो तो साबुत लाल मिर्ची भी आप कूट के डाल सकते हैं इसके अंदर। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। जो आटा है मैंने जो पीसा था मिक्सी जार में डाल दिया हमने, अब अच्छे से मिला लेंगे। हल्का सा पानी डाल के इसको दोबारा से इसको अच्छे से फेंटेंगे। आटा थोड़ा टाइट हो गया हमारा, टाइट ही चाहिए क्योंकि पानी डालने के बाद ढीला हो जाता है ये, और इसको स्मूथली फेंट लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे, और थोड़ा सा ही डालेंगे, आधा स्पून से भी कम, यानी 3 से 4 स्पिंच डाल देंगे इसमें बस, ज़्यादा नहीं। अब इसको मिला के अच्छे से हम ढक देंगे इसको। जब तक ये हमारा ये सेट होगा मसाला, जो बड़ा का ये बनाया है बैटर है, जब तक सेट होगा तब तक हम इसकी चटनी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं चटनी अब। अब इसको ढक के छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। मैंने कढ़ाई लिया है और मेरी कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, गर्म हो गया है, 1 चम्मच ही ऑयल डाला है मैंने। अब इसमें चना दाल छोड़ देंगे, चना दाल थोड़ा सा भुन गया है। अब इसमें डालेंगे मूंगफली, क्योंकि मूंगफली भी कच्ची थी, फिर अच्छे से भुनेंगे। 2 से 3 हमने कड़ी पत्ता डाल दिया है इसके अंदर, ये दोनों चीज़ भुन गया है। अब नारियल का थोड़ा सा टुकड़ा डाल देंगे। आप चाहें तो सिर्फ नारियल से या मूंगफली से भी इसको बना सकते हैं। तो नारियल मैंने इसलिए बाद में डाला है कि जल जाता है नारियल, तो इसलिए थोड़ा सा ही सेकना है हमको इसको। 20 चीज टेस्ट हम डालेंगे, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक टुकड़ा और लहसुन, इसको भी थोड़ा सा सेक लेंगे। देखिए भुन गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। पानी ठंडा करने के लिए थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, ये बिल्कुल हमारा ही कढ़ाई भी ठंडी होगी और ये भी, और ये थोड़ा सा फूल भी जाएगा अच्छे से। जितना इस देर में ठंडा होगा ना, ये हल्का हल्का फूल भी जाएगा इसमें और बिल्कुल स्मूथली चटनी बनेगी। तो चलिए गैस को मैंने बंद कर दिया है, अब इसको उतार देते हैं ठंडा होने तक के लिए, फिर हम बड़ा बनाएंगे और चटनी बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये चटनी मैंने पीस लिया है। मेरा ये जो चटनी का सामग्री था ठंडा हो गया था, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पीसा है। थोड़ा ही पानी डाल के आप पीसिए, उसके बाद जितनी ज़रूरत हो उतना पानी डालिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल के एक बार और मिक्सी चला दूँगी, स्वाद अनुसार ही नमक डालेंगे इसमें भी। देखिए चटनी बन गई हमारी। तो देखिए अब इसको और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा हम तड़का लगाएंगे इस पर। तो गैस को मैंने बंद कर दिया है, थोड़ा सा डालेंगे हम दाल, उड़द की दाल है ये, तेज हो गया था तेल इसीलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। थोड़ा सा डालेंगे सरसों के दाने, अब गैस को बंद कर देंगे। इसी में डाल देंगे करी लीव्स के पत्ते, एक लाल मिर्ची, तड़के लगा देंगे हम। देखिए हमारी चटनी बन गई है, अब हम बड़ा बनाएंगे। तो चलिए बड़ा बनाते हैं। कढ़ाई में तेल रख दिया है और गर्म हो रहा है ये, तब तक हम देख लेते कि हमारा जो बैटर था कैसा बना है। जैसा होना चाहिए वैसा ही बना है ये। आप चाहे तो इसे हाथ से उठा लीजिए, नहीं तो ऐसे चम्मच से ही डाल सकते हैं आप ऐसे बनाने के लिए।
तो चलिए इसको बनाते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब हम बड़ों को डालेंगे, फटाफट डालते रहेंगे इसमें। देखिए मीडियम मीडियम फ्लेम पे इसको बनाएंगे। और थोड़ा सा मेरा बैटर थोड़ा ढीला हो गया है क्योंकि वेजिटेबल जो डाला था हमने वो उसने पानी भी छोड़ा है। थोड़ा सा और इसे आप थिक बनाइए, बहुत अच्छा बनता है ये। सारे बड़े तल के निकाल लिए, तो चलिए मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। दो तरीके से आपको बताऊँगी कैसे खा सकते हैं। तो पहला तरीका हमारा ये है कि देखिए हमने बड़े को ले लिया है कटोरी में, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, हरी धनिया की चटनी, थोड़ा सा डालेंगे मीठी चटनी, थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स, हल्का सा डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा डाल देंगे नमक। देखिए पहला तरीका तो हमारा ये हो गया, आप इस तरीके से इसको खा सकते हैं। और चलिए दूसरे तरीके से जो हमने चटनी बनाई थी उसके साथ खा सकते हैं, तो चलिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको। मैंने आपको ये दो तरीके से बता दिया है, पहला तरीका आपका इस तरीके से बना के खा लीजिए, दूसरा बड़ा और उसकी चटनी बना दी है आपके साथ में। तो देखिए बनाइए और खाइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।